इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए मिलेगा प्रथम बार 1,000 रुपए, दूसरी बार 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। अरे क्या बात है, उनका पालन करें, अनावश्यक न निकले। धारा 184 के अंतर्गत 144 धारा तोड़ने का मुकदमा काम किया जाएगा। सत्ताई आप लोग अगर इधर से पाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग अनावश्यक सड़कों पे ना निकले। जिसको बहुत जरूरी है वही सड़क पे निकले और बाकी लोग अनावश्यक सड़कों पे ना निकले। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के साथ ही साथ भारी से भारी जुर्माना किया जाएगा। इसलिए सभी लोग घर में लोग मास्क लगाए, पहले आप मास्क लगाए और जो आपका सामान लेने आता है वो भी मास्क लगाए रहे। अगर मास्क नहीं लगाए तो उसको हटा दीजिए, सामान मत दीजिए, लालच मत करिए, उसको दूर रखिए अपने बने से। इसलिए आप स्वयं मास्क लगाए और जो आपकी दुकान पे आता है वो भी मास्क लगाए रहता है तभी सामान दीजिए। मैंने बता दिया मास्क नहीं लगाए हम सामान नहीं देंगे, क्योंकि वो मास्क नहीं लगाए रहेगा आपको भी संक्रमित कर देगा। इसलिए लालच में न पड़े, स्वयं मास्क लगाए और जो लोग मास्क लगा के आते हैं उन्हीं को सामान दें। भीड़ बिल्कुल एकत्र न करें, दूरी बनाए रखें, क्योंकि सब्जी की दुकानें लगातार खुलती है। आप लोग जो है उसका ध्यान रखें, दूरी बनाए के रखें, मास्क लगाए रखें। जो आपके यहाँ सामान लेने आता है वो मास्क लगाए है तभी उसको सामान दें। अभी कुछ लोग मास्क नहीं लगाए, कल मैं चालान काट दूंगा। मास्क लगाए, सामान लेने आता है उसको भी देखिए मास्क लगाए, अगर मास्क नहीं लगाए उसको भगा दें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.